फ्रेंड्स, वेलकम टू माई एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी, मई के अंत तक मिलेगा तोहफा। इस अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO और DOPT ने जो है एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, और इस सर्कुलर में जो है कहा गया है कि अक्सर पेंशन भोगी का PPO जारी करते समय जो है विभाग मंत्रालय इस तरह की कॉमन गलती करते हैं, जिसकी वजह से बाद में पेंशन धारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, लगातार बने रहिए, सारे अपडेट पूरा हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब यहाँ पे विभाग करते हैं बड़ी गलती। CPAO ने कहा है कि विभाग में पेंशन धारकों का PPO जारी करते हैं तो उसे PPO में पेंशन भोगी का जो है नाम शॉर्टकट में लिख देते हैं, और जैसे किसी पेंशन भोगी का नाम समय राम प्रवेश सिंह है तो PPO में RP सिंह लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब CPAO ने दिया आदेश जारी क्या किए हैं, तो इस परेशानी को देखते हुए CPAO ने कहा है कि PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग न किया जाए। पेंशन भोगी के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है वही पूरा नाम PPO में भी होना चाहिए। PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट मंत्रालय हैं और वे ध्यान दें कि प्रयुक्त गलती न करें, और सर्विस रिकॉर्ड से भी नाम को मिलाकर ले, और PPO जारी करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्या होता है PPO? PPO का मतलब है पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। PPO एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिटायरमेंट के बाद इसी के बोनस पर पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। PPO जारी होने के बाद पेंशन भोगी को अच्छी तरह से उसको चेक कर लेना चाहिए, और उसका जो है पूरा नाम, जन्म दिनांक, नामिनी का नाम और जन्म दिनांक जो बराबर लिखा हुआ रहता है या नहीं, तो अगर कुछ भी गलती होती है तो उसके सुधरवाने के लिए, नहीं तो बाद में सुधरवा ले, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। पेंशन भोगी हमेशा इस बात का रखें ध्यान पेंशन भोगी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि PPO में अपने नॉमिनी का नाम और जन्मदिनांक उसके आधार पर कार्ड और पैन कार्ड से एक बार ज़रूर मिलान कर ले। PPO के साथ दोनों डॉक्यूमेंट में नाम और जन्मदिनांक सही होना चाहिए। अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखें कि पेंशन भोगियों के लिए ये जो खबर है बेहद ही ज़रूरी है। तो मई के अंत तक जो है पेंशन धारकों को मिलेगा फॉर्म 16। अब जाने कि वहीं पर CPAO ने कहा है कि पेंशन धारकों को फॉर्म 16 मुहैया कराने का काम पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों का है, और जिस बैंक से पेंशन भोगी के पेंशन निकलती है तो वही बैंक पेंशन भोगी को फॉर्म 16 मुहैया कराएगी, और मई महीने के अंतिम तारीख तक पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से लगातार हमारे चैनल पे बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू।